अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही टेस्टी ये मीठे की रेसिपी लेके हाजिर हूँ, जो घर के ही इंग्रेडिएंट से बनने वाली है और ये एकदम हेल्दी तरीके से आज मैं आप लोग को ये रेसिपी देने वाली हूँ। तो बस मेरी कोशिश है आपको आसान सी रेसिपी दे सकूँ, तो मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड़ भिगोने के लिए रख दिया है। तो मैंने इसे आधा कप पानी में इस गुड़ को, मैंने जो ढेले वाले गुड़ आते हैं ना गोल सा, वही गुड़ यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आपको वाइट वाला गुड़ नहीं इस्तेमाल करना है और ये बहुत हेल्दी होता है। गुड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए चीनी के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे गुड़ से भिगो के रख दिया, थोड़े छोटे छोटे चंक्स रहेंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ, जो मोटे वाले मीठे सौंफ आते हैं ना वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। 1/4 टीस्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो ये चाट मसाला ये ज़रूर डालें, और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे काला नमक ज़रूर डालें। अब मैं यहाँ पे डाल रही 3 से 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे खोआ। तो ये खोआ मैंने घर में ही तैयार किया, जैसे दूध वगैरह कभी कभी होता है ना, अभी गर्मी के भी टाइम है तो दूध वगैरह हल्का सा जैसे फटने का टेक्सचर में आता है, तो मैं इस तरह से उसे बना देती हूँ। तो इसे फाड़ के और इस तरह से मैं भून के इस तरह से रख देती हूँ, तो ये खोआ का काम में आ जाता है। लेकिन मैं दूध को, छेना को, पानी को अलग नहीं करती, उसी में सुखा के इस तरह से ड्राई सा बना के रख लेती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये हमें ले लेना है। तो आपने देखे इस तरह से मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिया है ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर। तो इसमें मैंने छुहारे, किशमिश, बादाम, काजू, नारियल और मखाने इस तरह से लेना है। तो हल्का सा दरदरा से भून लेना है और इसे पीस के रख लेना है। देखिए तो इस तरह से मैं जार में रख लेती हूँ। आप खीर वगैरह या इस तरह से मीठा कोई रेसिपी बना दे तो आप इस तरह से डालें। जो बच्चे अलग से ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप पीस के या क्रश करके आप डालेंगे तो बच्चे एकदम शौक से खाएँगे। तो इस तरह से हमें पहले मिला लेना है। और हाँ, पानी को थोड़ा सा आपको गुनगुना लेना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खाने वाला, जो हम रोटी खाते हैं आटा, वही हमें गेहूँ का आटा लेना है। तो जी हाँ, ये गेहूँ के आटे से तैयार होगा क्योंकि मैं इसे हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे गेहूँ के आटे से बनाएं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो ये ले लें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो मैंने पूरा 1 कप आटा यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिलाना है, पूरा आटा हमें ले लेना है। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा डाला कि कहीं बहुत ज़्यादा ये ना हो जाए। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर रही हूँ। तो पानी भी मैं हल्का सा गुनगुना, एकदम जैसे हाथ में टच करने से आपको गुनगुना सा महसूस हो, बस उतने ही गर्म हमें पानी लेना है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें, आपको गुड़ का थोड़ा थोड़ा सा चंक्स नज़र आ रहा होगा। तो हमें गुड़ को पूरा मेल्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा चंक्स ज़रूर रहने दे, क्योंकि जो खोआ का चंक्स है और जो गुड़ का चंक्स है, जब ये पकेंगे ना तो इसका एक अलग सा फ्लेवर आता है। तो ये मैं थोड़े से 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो अब हमें चम्मच हटा के इसे हाथों से अच्छे से फेंटना है। तो जिस तरह से हम दही भल्ले वगैरह का जो बैटर फेंटते हैं, बस उसी माफिक हमें फेंटना है। और देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ठीक है। तो बस सेम जो हम भल्ले वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें बनाना भी है और उसी तरह का टेक्सचर हमें रखना है। तो ये देखें, इसी तरह से हमें मिला लेना है। तो बस देख सकते हैं गुड़ का चंक्स अभी भी इसमें नज़र आ रहा होगा। तो मैंने जानबूझ के ये चंक्स को मेल्ट नहीं किया गुड़ के। तो इस तरह से मिला लेना है
और बस 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देना है। और जब भी आप इसे बनाएं तो इस तरह हाथों को गीला कर लें, बस सेम जो हम बड़े वगैरह बनाते हैं ना, सेम इसी तरह से हमें बनाना है। तो ये देखें कि हमारे दादी नानी के टाइम से ये बनता आ रहा है गुलगुला, लेकिन इसमें कुछ मैंने अलग सा थोड़ा सा फ्लेवर डालने की कोशिश की और ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। और बस सेम मैंने आपको जैसे बताया ना बड़े बनाते हैं, बस सेम वैसे हाथ को हल्का गीला करना है और डालते जाना। आप देखेंगे कि डालते के साथ ये एकदम फल्फी सा, एकदम फुले फुले से हो जाएंगे। ये इतने फूल जाते हैं कि ये पलटते नहीं है, एकदम बिल्कुल गुलाब जामुन वगैरह होता है ना, बस वैसे ये हो जाता है। और इसका टेक्सचर जो हमने खोआ और जो ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर वगैरह हमने इसमें ऐड किया है, उससे इसका टेक्सचर इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट होता है कि ये गुलाब जामुन से कम नहीं है। ये इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो कभी भी दूध वगैरह आपके घर में इस तरह से हो जाए तो इस तरह से आप भून के खोए को रख लें, दूध को, और इस तरह से आप मीठा वगैरह कुछ भी बना रहे तो आप उसमें ऐड कर लें, तो ये इसका एक अच्छा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये जितने मैं पलटने की कोशिश करी ये बार बार पलट जा रहा है। तो थोड़े से चम्मच के सहायता से थोड़ा सा इसे बार बार पलटते रहना है, ताकि एक तरफ ज़्यादा पक जाएगा और वरना एक तरफ कच्चा रह जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस तरह से चम्मच की सहायता से रोक रोक के मैंने दोनों साइड से एक वाली कलर करने तक फ्राई कर लिया। तो सभी को इसी तरह से कर लेना। आप हाथ को मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा गीला करना है और बस सेम उसी तरह से हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए एकदम सारा का सारा इसी तरह बस डालते के साथ ये सारा फूल रहा है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझसे जुड़े और मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। तो सारा का सारा हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए हमारा सारा तैयार हो गया। इसका कलर लुकिंग वाइज आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो देखिए इसका टेक्सचर वगैरह कितने मज़े की आई है। तो जल्दी से जाएं, बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना खूब खूब ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।